नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों के पहले खाने में फ्रूट्स की वैरायटी के बारे में। फ्रूट्स बच्चों के पहले खाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट समझे जाते हैं, क्योंकि ये उनमें पूर्ति करते हैं विटामिन्स की, मिनरल्स की, फाइबर्स की और एंटीऑक्सीडेंट्स की, जो उनमें अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए ही बीमारियों से बचाव करता है, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को सुनिश्चित करता है, ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाता है और साथ ही बीमारियों से लड़ने में उनकी मदद करता है। 6 महीने के शुरुआती समय से बच्चे को दिए जाने वाले फ्रूट्स में आपको दो चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फ्रूट्स पका हुआ होना चाहिए। अगर वो कच्चा होगा तो वो पेट में इरिटेशन कॉज करके दस्त या डायरिया कॉज कर सकता है, तो इसीलिए अच्छे से पका हुआ फ्रूट बच्चे को दीजिए। दूसरा, अगर आप फ्रूट बॉयल करके दे रहे हैं तो फ्रूट को 5 से 10 मिनट तक अच्छे से बॉयल करना है, जिससे वो पाचन में आसान होता है। और जो फ्रूट्स हमें बच्चे को मैश करके खिलाने, वो बहुत ही अच्छे से मैश किया हुआ पेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ताकि वो बच्चे के लिए निगलने में आसान हो और पाचन में सही रहे। बच्चों के पहले खाने में फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करना बहुत ही इजी और अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें पाई जाती है नेचुरल शुगर, जो टेस्ट में बच्चे के लिए अच्छा बनाती है, और साथ ही फाइबर से ये भरपूर होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है और पाचन में इसे अच्छा बनाता है। जब आप 6 महीने पे बच्चे को पहला खाना दे रहे हैं, तो आप फ्रूट्स मॉर्निंग में स्नैक और एज अ ब्रेकफास्ट दे सकते हैं। धीरे धीरे जब बच्चा अनाज, वेजिटेबल, फ्रूट सब कुछ खाना शुरू कर देता है, तो आप इसे किसी भी टाइम दे सकते हैं। एज अ डिनर देना भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बहुत ही लाइट होता है, पचने में ये आसान होता है। तो चलिए फिर जानते हैं वो कौन कौन सी वैरायटी है फ्रूट्स की, जो हम बच्चों को 6 से 7 महीने में देना शुरू कर सकते हैं, और जानते हैं बच्चों की सेहत के लिए उनसे जुड़े फ़ायदे। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ऐसे आने वाले बहुत सारे हेल्दी और जानकारी से भरे वीडियोज़ के लिए। कीप वॉचिंग। साल भर अवेलेबल और दुनिया में सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाले फलों में से एक है एप्पल, यानी कि सेब। कैलोरी से ये भरपूर होता है, तो बच्चे को दिन भर की एक्टिविटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। बहुत से विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें। इसमें पाए जाने वाले घुलनशील फाइबर्स डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं और पाचन को अच्छा बनाते हैं, साथ ही हेल्दी हार्ट के लिए भी ये अच्छा होता है। इसके अलावा बच्चों की मसल्स, उनकी बोन्स, उनकी स्किन और उनके बाकी सभी अंगों की हेल्दी ग्रोथ के लिए एप्पल बहुत ही ज़रूरी होता है। इसे आप बच्चे के फर्स्ट फूड की तरह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। 3-4 दिन तक इसे लगातार दीजिए, और जब बच्चा कंफर्टेबल हो जाए तो धीरे धीरे आप दूसरे फ्रूट्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एप्पल की तरह ही बनाना या केला पूरे साल भर अवेलेबल होता है। पोषण से ये भरपूर होता है। इसमें पाए जाते हैं बहुत से विटामिन्स, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि फोलेट, आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम। बच्चे की हेल्दी वेट गेन के साथ साथ ये बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। बहुत से फाइबर्स होते हैं इसमें, जो बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा बच्चे की हड्डियों, बच्चे के दिमाग और बच्चे की आंखों की रोशनी को ये बढ़ावा देता है, और यूरिन इन्फेक्शन से सुरक्षा प्रदान करता है। बच्चों को बनाना देने के लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप रोज़ दे रहे हैं तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में दीजिए। साथ ही मॉर्निंग का टाइम अच्छा होता है बच्चे को केला देने के लिए। सर्दी खांसी अगर है, या फिर कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो थोड़े टाइम के लिए आपको इसे अवॉइड करना है। अदरवाइज़ केला बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन है। अगली बारी आती है पेयर, यानी नाशपाती की। पोषण का पावर हाउस कहे जाने वाले ये फाइबर से भरपूर होता है। पोटेशियम और विटामिन सी का ये बहुत ही हेल्दी सोर्स होता है। इसके अलावा इसमें बहुत से फाइबर्स होते हैं, जो बच्चे में कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत को दूर करते हैं। बच्चे के पेट के लिए बहुत ही जेंटल होता है। एसिडिटी इससे बिल्कुल नहीं होती। अगर बच्चे को एसिडिटी की शिकायत है, तो आप ये फ्रूट बच्चे को दे सकते हैं। एप्पल की तरह ही शुरुआती
समय में एज अ फर्स्ट फूड देने के लिए ये बहुत ही अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है। छः महीने की उम्र से ही दिए जाने वाले फ्रूट्स में अगली बारी आती है चीकू की। विटामिन ए, B6 और विटामिन सी से भरपूर होता है। दिन भर की एक्टिविटी के लिए ये बच्चों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। साथ ही इसमें पाए जाने वाले फाइबर्स डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा एंटी ऑक्सीडेंट्स का ये अच्छा सोर्स है। अगर बच्चे को सर्दी या खांसी है तो आप ये फ्रूट्स बच्चे को अच्छे से मैश करके दीजिए, उसमें ये बच्चे को लाभ देगा। इसके अलावा बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये इम्प्रूव करता है। नाशपाती की तरह ही प्लम या आलू बुखारा बहुत से फाइबर से भरा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के साथ साथ कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत को ये दूर करता है। सुपर फूड कहे जाने वाले आलू बुखारे में बहुत से मिनरल्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। बच्चे की आँखों की रोशनी को बढ़ावा देने के साथ साथ ओवरऑल ग्रोथ को भी ये बढ़ाता है। इसमें स्वीट के साथ साथ थोड़ा सा खट्टा टेस्ट होता है जो बच्चे की टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट करता है। सात महीने की उम्र से दिए जाने वाले अगर किसी सुपर फूड के बारे में बात की जाए तो वो है एवोकाडो। बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें होते हैं बहुत से फाइबर्स और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स। की न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें जो बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और जो दूसरी खासियत है इसकी, अच्छे एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा मदर मिल्क में जो फैट होती है उसी तरह की फैट, हेल्दी फैट इसमें पाई जाती है जो बच्चे के दिमागी विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन जो बच्चे के पहले और दूसरे क्रूशियल ईयर में डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है वो सभी इसमें पाई जाती हैं। शुगर फ्री होता है तो बच्चे को फ्रूट्स में ये अलग सा टेस्ट प्रोवाइड करता है। अच्छे से मैश करके दीजिए, अच्छे से पेस्ट फॉर्म बना के बच्चे को दीजिए ताकि निगलने में ये आसान रहे। तो ये थी वो सभी वैरायटी जो बच्चे को 6 से 7 महीने के पहले खाने में आप दे सकते हैं। उम्मीद है ये हेल्दी और टेस्टी वैरायटी आपके बच्चे एंजॉय करेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे आने वाले बहुत सारे हेल्दी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को दबाइए हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे फिट।